सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब भी बेटी का विवाह करना हो, बहुत ज्यादा सोचिए, टाइम लीजिए और बेटी को भी जरूर पूछें, क्या तुम ये विवाह से खुश हो? और आप लोग थोड़ा गंभीरता से देखें, कहीं जिस लड़का को आप बेटी दे रहे हो, क्या वो खाता पिता तो नहीं है? खाता पिता मतलब कि आप समझ गए हो, क्योंकि थोड़ा इशारा कर दो तो समझ में सबको आ ही जाता है। मदिरा ना पीने वाला हो, मांस मछली ना खाने वाला हो, सुंदर स्वभाव का हो, गुण अच्छा हो, अपने परिवार का सम्मान करने वाला हो, माता पिता की बात को मानने वाला हो, अगर लड़का संस्कारी है तो आप अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं। अगर लड़का संस्कारी नहीं है तो बिल्कुल मत करें। आजकल के लोग केवल धन को देखते हैं, पैसा को देखते हैं, कितना बड़ा मकान है, क्या करता है, नौकरी है कि नहीं, सरकारी है कि नहीं, वो सब देखते हैं, लेकिन स्वभाव को देखना भूल जाते हैं। अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो वो लड़की जीवन भर वहां पर रोती रहेगी और उसका पाप आपको लगेगा। प्यार से बोलो, ये बात केवल लड़का के लिए नहीं, लड़की को भी संस्कारी बनाओ। हर माता पिता का कर्तव्य होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसी समय आपको संस्कार देना चाहिए। जब आप सुबह उठ करके पूजा करते हो तो अपने बच्चों को भी बोलो सुबह उठ करके पूजा करो, अपने बच्चों को भी बोलो कि तुम भी 5 मिनट पाठ करो। जो आदत आप सिखा दोगे, जैसा संस्कार आप सिखाओगे, वही बच्चों में हमेशा के लिए रह जाता है। बच्चे कच्चे मिट्टी के समान होते हैं, जैसा आकार दोगे वैसे ही बन करके तैयार हो जाते हैं। इसलिए संस्कारवान बनाओ।